महाराजगंज में आपस में भिड़े भाजपा विधायक, जिला पंचायत की बैठक में नोकझोंक, मंत्री के प्रतिनिधि का परिचय पूछने पर बवाल। आपको बता दें कि महाराजगंज में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में भाजपा विधायक आपस में भिड़ गए। सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल व सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया के बीच जोरदार नोकझोंक हो गई, जिससे माहौल गर्म हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बैठक के दौरान विवाद तब शुरू हुआ जब फरिंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी ने मंत्री प्रतिनिधि के रूप में बैठे जगदीश मिश्रा से उनके परिचय के बारे में पूछा। जवाब में जगदीश मिश्रा ने कहा, मुझे पूरा जिला जानता है। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। इस पर सत्तारूढ़ दल के एक विधायक ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मिश्रा को स्पष्ट रूप से अपना परिचय देना चाहिए। इस बहस के बाद उनकी उपस्थिति पर भी सवाल खड़े हुए। एक विधायक के बीच बचाव करते हुए कहा कि इस बार उन्हें बैठक में उपस्थित रहने दिया जाए, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। हालांकि मामला यही नहीं था थमा। इसके बाद बजट आवंटन को लेकर दूसरा विवाद छिड़ गया। एक विधायक ने आरोप लगाया कि 60 करोड़ के बजट में अधिकांश वार्डों को मात्र 10 से 15 लाख का आवंटन मिलता है, जबकि कुछ खास वार्डों को मनमाने ढंग से अधिक बजट दिया जाता है। उन्होंने पूछा, यह भेदभाव क्यों? इस सवाल पर एक विधायक भड़क गया और दोनों के बीच कहा सुनी शुरू हो गई। बैठक में विवाद इतना बढ़ गया कि हस्तक्षेप करने वाले अन्य विधायकों को बीच बचाव कराना पड़ा। वहीं विवाद के बाद फरिंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मानसून ऑफर है, सदस्य लूट लें। हालांकि हंगामे के बावजूद बैठक किसी तरह पूरी हुई, लेकिन इस विवाद से जिले की राजनीति और बजट आवंटन पर चर्चाओं का बाजार गर्म होना शुरू हो गया है। हाँ, क्यों हंगामा हुआ है? क्या पंचायत के बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ है, आज क्या कहेंगे? हंगामा हुआ है? हंगामा नहीं हुआ है। विधायक जी मानसून ऑफर का ऑफर दे रहे थे, 1 करोड़ रुपए का, क्या है इसमें? वो अफवाह कर रहे थे, है नहीं कि कितना का बजट है। 29 लाख का ही बजट है, 29 करोड़ का, बताइए कहाँ से 1 करोड़ दे पाएंगे। तो बैठक के दौरान आप कोई मानसून ऑफर दे रहे थे सदस्यों को, क्या ऑफर था वो? देखिए, मेरा तो कहना था साफ साफ कि भाई जिला पंचायत अध्यक्ष जी आप लोग सदस्य हैं, और सदस्य को ये चाहिए कि जो जिले का बजट, उस बजट को बराबर 47 भागों में बांट लीजिए, यही तो मानसून ऑफर है। लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं बेचारे। हमारे सदस्य बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। अध्यक्ष तो नाम के हैं ना, अध्यक्ष जी बेचारे शरीफ आदमी है, हमारे खेती बाड़ी से जुड़े हुए आदमी, लेकिन जिस आदमी ने उनको कब्जा कर रखा है वो इस ऑफर को पूरा नहीं होने देता है। 12 लाख देख के झुंझुना बजा के सदस्यों को वापस कर देते हैं। 6 महीने में एक बार मीटिंग बुलाते हैं, उनसे दस्तखत करा के सारे एजेंडे पे साइन करा लेते हैं, मनमानी करते हैं, इसीलिए मैं उनको ऑफर दे रहा था। बैठक के दौरान कुछ विवाद भी देखने को मिला है जनप्रतिनिधियों के बैठने के लिए, क्या पूरा प्रकरण था? साफ साफ देखिए, मेरे पास वो पेपर भी है कि जब माननीय अध्यक्ष जी ने जो एजेंडा भेजा उसमें पहले ही लाइन लिखा कि कोई भी पदेन सदस्य या सदस्य का प्रतिनिधि नहीं बैठेगा। तो पहली लाइन का तो पालन उनको कराना था, हम तो उन्हीं से पूछ रहे थे कि आप पालन करा रहे हैं इस चीज़ को। अध्यक्ष जी असहाय मौजूद जा रहे थे, और असहाय क्यों है सब जानते हैं आप। मैं तो बार बार अध्यक्ष जी से पूछा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या मेरा प्रतिनिधि बैठ सकता है? विधायक जी, सिसवा आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।